मुख्य एक ही कारण है और वो है मांस खाना। मांस, जब आप मांस खाते हैं या मांस का निर्यात करते हैं मिसाल हिंदुस्तान में, तो आपके सारे भैंस बकरे गाय घूम रहे हैं जंगल में। जंगल में जब घूमते हैं तो सारे नए पौधे खा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का एक ही एक जंगल में 400,000 भैंस आज सुबह घूम रहे हैं। अब वो कोई भी जंगल को छोड़ नहीं सकता। आपके पास 25% से कम अगर जंगल हो देश में तो वो देश चल नहीं सकता। आपका पानी सूख जाएगा, आपका बरसात कभी इस मौसम में आएगा कभी उस मौसम में, कभी आएगा भी नहीं, आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा जंगल की वजह से। लेकिन जंगल तो आपके वो जानवर खा रहे हैं जिनको आप मांस के तौर पर खाते हैं। हम केवल 30% मांस खाते हैं इस देश में, 70% उसका निर्यात हो रहा है। हम पूरे दुनिया को खिला रहे हैं, जॉर्डन को खिला रहे हैं, मिडिल ईस्ट को खिला रहे हैं, सारे ऐसे देशों को खिला रहे हैं जिनको मांस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने जंगल खराब नहीं करेंगे, अपनी स्थिति खराब नहीं करेंगे। श्रीलंका ने ऑर्डर पास किया, पार्लियामेंट लॉ बनाया है कि हम कत्ल खाने और जानवर को उगाना मांस के लिए बंद कर रहे हैं, सब हिंदुस्तान से लेंगे। और हिंदुस्तान का जो पेड़ों की स्थिति है, हम चीटिंग कर रहे हैं। हरियाणा में 1%, दिल्ली में 1%, यूपी में 3%, और 3% पर हम क्या कर रहे हैं, हम एवरेज कर रहे हैं। असम में 30%, तो उसका एवरेज लगा दो और कह दो भैया हमारे 25% हो गया या 20% जंगल है, लेकिन आप एवरेज कर नहीं सकते। सुल्तानपुर में अगर पेड़ लगाएंगे तो सुल्तानपुर का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो दूसरों से अच्छा हो जाएगा। मेरा घर जो है दिल्ली में, उसमें अकेला जंगल है और वो जंगल की वजह से 7 डिग्रीज कम है पूरे दिल्ली से। हमको एयर कंडीशनर कभी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर हम सुल्तानपुर को, हम बाकी दुनिया का छोड़ें, सुल्तानपुर को ही हम लोग पेड़ लगा दें, हम कम से कम 25,00,000 पेड़ यहाँ लगा दें और उनका देखभाल करें, तो हम सोचते हैं कि हमको दुनिया के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और मांस खाना अगर हम बंद कर दें, एक किलो मांस खाने से 11 किलो धान उसमें जाता है, धान गेहूं जो भी है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे जगहों ने पूरे जंगल कटवा करके सोयाबीन उगाते हैं, वो सोयाबीन जाता है यूरोप के जानवरों को खिलाने के लिए। तो आपके सारे जंगल जब तक नहीं वापस आएंगे, जब तक आप मांस खाना बंद नहीं करोगे और निर्यात बंद नहीं करोगे, तब तक हम बच ही नहीं सकते हैं। इस साल 49 डिग्रीज तक चले जाएंगे, अगले साल अगर हम 53 तक नहीं पहुंचे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। और 53 पर तो आपकी आप शायद बच जाएंगे एयर कंडीशन में, लेकिन जो गरीब है उसे इस साल आप लोगों ने मनरेगा में इन लोग गरीबों को भेजा 49 डिग्रीज में फावड़ा चलाने के लिए, आपके तालाब बनाने के लिए, इनमें से कितने हीट स्ट्रोक से मर गए होंगे, किसी ने ताका भी नहीं।